हाँ ओके सर। हाँ ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, मेरे अकाउंट में दिख रहा है, तो वी विल प्रोसीड विद द असाइनमेंट। अच्छा, हमारी असिस्टेंट आपको रिसीट थोड़ी देर में डिलीवर कर देगी। अच्छा सर, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करके अपडेट देता हूँ। ओके। ओ नमस्कार नमस्कार, आई एम सो सॉरी, आपको बहुत देर इंतजार तो नहीं करनी पड़ी। अरे आधे घंटे को आप ज्यादा देर कहते हैं या कम? I'm sorry. I do apologize. एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही थी, क्या केस हाथ लगा है, बस समय का एहसास ही नहीं हुआ। सॉरी अगेन। तो हम काम की बात करें, तो इसीलिए तो मैं आई हूं। हमारी कंपनी आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देगी। वी आर द बेस्ट इन द फील्ड। हमारे पास आकर आपने सही कदम उठाया है। सो टेल मी मिसेस, आपका शुभ नाम? हाल तो मिसेस बंदूक वाला हूं। कितनी जल्दी आप मुझे वापस मिस भट्टाचार्य बना दें, ये आपके ऊपर है। बंदूक वाला भट्टाचार्य, सॉरी, मुझे आपका फर्स्ट नाम भी चाहिए। सुलक्षणा, लोग मुझे सू बोलते हैं। सुलक्षणा बंदूक वाला। सुलक्षणा भट्टाचार्य, अरे पहले केस तो खत्म हो जाए मिसेस बंदूक वाला। मैं तो इंतजार ही नहीं कर सकती। आप भरोसा रखिए, आई मीन वी आर द बेस्ट इन द फील्ड। हमने इस पूरे डोमेन की स्वॉट एनालिसिस की है। अरे सॉरी, कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक? कॉफी या फिर मिंट टी? आपको कैसे पता चला कि मिंटी ही मेरी पसंद है? अरे मैडम, ये तो बिग डेटा का जमाना है, हम ये सब जानकारी रखते हैं। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा ये तो बताइए कि ये सब कुछ होता कैसे है? भाई मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैंने तो बस एक ही बार शादी की है ना, और इस बात में मुझे थोड़ी सी झिझक भी हो रही है। भाई अगर अखबार के पेज 3 पे आना है तो 2-3 बार तो शादी करनी ही पड़ती है ना, लोग एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, हमारा प्रोसीजर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप हमारे पास आई हैं अपने पति को दूर करने के लिए। अरे हाँ दैट्स द प्लान, विचार तो यही है। और हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। वी डिलीवर व्हाट वी प्रॉमिस। ये एल्बम आप देख सकती हैं, एक से एक खूबसूरत औरत मिल जाएगी आपको हमारे फाइल्स में। आप ही सिलेक्ट कीजिए कि इनमें से कौन आपके पति परमेश्वर को टपकाएगी और कैसे। तो कैसे सिलेक्ट करूं? आपके पति की प्रेफरेंस क्या है, ये आपसे अच्छा कौन जानता है? किसी किसी को कम उम्र की, तो किसी को थोड़ी अधेड़ उम्र की। सम फैंसी द आंटी नेक्स्ट डोर, यू नो, सविता भाभी सिंड्रोम। तो और सिलेक्ट करने के बाद देखिए, ये हमारा स्टाइल ये बहुत इंटरेक्टिव है। ये पूरा प्लान हम आपके लिए कस्टमाइज करेंगे। कहां से शुरू करूं? तो मिसेस बी, क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप अपने पति से छुटकारा क्यों पाना चाहती हैं? तो आपको क्या लगता है? क्या वो आपकी बात नहीं सुनते? तो ऐसी बात तो नहीं है। फिर दूसरे औरत के साथ ताल्लुकात? अरे कोई दूसरी औरत उसे लिफ्ट दे तब ना। तो क्या बेडरूम में कुछ, यू नो, कमी है? उस बात का जवाब देने के लिए तो मुझे अपनी याददाश्त पे जोर डालना पड़ेगा। तो वो क्या वो काम पर ज्यादा और आप पर कम समय बिताते हैं? थैंक गॉड फॉर दैट। वो जब गोल्फ खेलने जाता है तो मैं खैर मनाती हूँ। तो फिर तो एक ही कारण हो सकता है, वो बहुत मालदार हैं और इंतजार करना आपकी फितरत में नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं आप। अच्छा तो ये बताइए, उनके शौक क्या हैं? बाल की खाल निकालना, कुशल बातों से लोगों को बहकाना। He loves money and he gets paid to screw people. ये तो किसी तवायफ का डिस्क्रिप्शन दे रही हैं आप। अरे तवायफ का भी कुछ धर्म होता है। तो क्या आपके पति राजनीति में हैं, नेता हैं क्या? नेता भी चुनाव के बाद बात बात में झूठ नहीं बोलते। अरे लगता है इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुना ही नहीं है।
हाँ समझ गया मैं, क्या समझे? आपके पति बैंकर हैं और वो भी किसी आईआईएम से। जैसे दिखते हैं उसमें थोड़ी ज्यादा बुद्धिमानी है आप में। बस तजुर्बा ही ऐसा है, और हमारी डीलिंग्स बैंकरों और नेताओं से होती भी ज्यादा है। ये दोनों गायब हो जाएं, कोई मिस नहीं करता। अरे उस हरामी को कोई मिस करे, ऐसा तो कोई पैदा भी नहीं हुआ। अच्छा एक बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे। हाँ हाँ पूछिए। ये जनाब आपको मिले कहाँ, मतलब आपकी शादी कैसे हुई? बस जवानी की भूल समझिए। समझा नहीं मैं। मैं समझाती हूँ। वो दिन आई एम अहमदाबाद के थे जब वी मेट। देखने में तो वो थोड़ा यू नो आईआईटीएन टाइप था, लेकिन पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग, स्पेशली बॉन्ड कोर्सेज में। और मैं भी उन दिनों इतनी भोली थी। ही कोटेड मी ऑन द लॉन्स ऑफ एलकेपी, स्टैनफोर्ड रैंप में हम लोग ने गाने गाए, आईसीपी में मिलना लेक्चरों के बाद, विशाला में वीकेंड डेट्स। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। और फिर क्या, शादी कर ली। मुझे क्या पता था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आकर वो इतना दानव बन जाएगा। सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उसकी अग्रेसिव गोल ओरिएंटेड बॉटम लाइन ड्रिवन पर्सनालिटी दिन ब दिन और ज्यादा ऑब्नॉक्शियस होती गई। कितना गोल्डन गेको बन गया। जब से हुई है शादी क्या बताएं, आंसू बहा रहा हूं। आफत गले पड़ी है उसको निभा। हाँ तो अब समझ गया मैं। तो देखिए हमारे एजेंट्स बहुत ही वेल ट्रेन्ड हैं और अलग अलग स्किल सेट्स हैं सबके पास। सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड ब्लैक बेल्ट हैं और पूरा इंटरनेशनल सिलेक्शन है हमारे पास। देखिए आप, आपके पति इनमें से किसका शिकार बन सकते हैं। तो ये है हमारा रशियन सिलेक्शन। तो कॉमन, हर एक डांस बार में यही सब पाई जाती हैं। अच्छा तो वो एशियन सेगमेंट देखिए, ये तो सब बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। चाइना से है ना, अरे ड्यूप्लीकेशन में तो चाइना माहिर है। ये कहाँ की हैं? सब इतनी सुंदर। तो दुनिया में सबसे बिजी कॉस्मेटिक सर्जन साउथ कोरिया में पाए जाते हैं। अरे भले ही शूर्पणखा पैदा हुई हो, इनकी ट्रीटमेंट के बाद सब जन्नत की हूर लगती हैं, और जैसे वो बीटीएस के छोरे। अरे ये तो लड़के हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे पोर्टफोलियो में तो सब होना चाहिए ना। वैसे ये थाईलैंड से हैं, ये उनके लिए जिन्हें यू नो। आई थिंक आई डू। वैसे ये थाई छोकरे बड़े वर्सेटाइल होते हैं, जिनकी अलग लाइफस्टाइल हो उनके अलावा ये मेनस्ट्रीम क्लाइंट्स को भी सर्विस कर सकते हैं। लेकिन 4 हफ्ते का नोटिस देना पड़ता है सर्जरी के लिए।
मेरे पति तो आजकल सिर्फ मेड इन इंडिया का नारा लगाए जा रहे हैं। अच्छा, लोकल पे वोकल। अरे तो फिर इन्हें देखिए। हाँ, इसमें कुछ बात है। तो ये है हमारी टॉप रेटेड एजेंट अनन्या। इसका रेट थोड़ा ऊंचा है, लेकिन अनएथिकल किलिंग में स्पेशलाइज करती है। अनएथिकल किलिंग? एक चालाक बैंकर के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन ये तो बताइए कि ये सब होता कैसे है, मतलब कैसे करती है ये अनन्या? तो वो सब हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल के मुताबिक हमारा कुछ कॉम्बो सेट होते हैं। कॉम्बो सेट मतलब कोक और फ्राइज मुफ्त में? तो फर्स्ट कोर्स में हम एक विशेष ड्रिंक पेश करते हैं, जिससे कि जनाब थोड़ा रिलैक्स हो जाए। फिर जब वो थोड़े नशे में होते हैं, तब हम अगला कोर्स पेश करते हैं। विशेष ड्रिंक? तब तो आप उन्हें मिंटी ही दीजिए, ये उनकी भी पसंद है। तो फिर हम अगले चरण में जाते हैं। कई ऑप्शंस हैं, आप किसी पर भी टिक कर सकती हैं। जैसे ऑप्शन नंबर एक, हथौड़े से सर के पीछे प्रहार। अरे नहीं काम करेगा, उसका खोपड़ा पत्थर का है। तो ऑप्शन टू थोड़ा प्राचीन है, उस्तरे से एक स्पेशल स्टाइल हजामत। बैंकरों की खाल बहुत मोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर थ्री थोड़ा ओल्ड फैशन है, दिल में खंजर। दिल हो तब ना। अच्छा, तो और भी ऑप्शंस हैं। बैंकर को मारना कितना मुश्किल होता है, नहीं? शायद उसके गले में सोने की अशर्फियां ढूंस दे या फिर ब्लेड खिला दे, वो तो काम करेगा ना? हाँ हाँ जरूर। तो हमारे पास कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें देख सकती हैं। इससे खात्मा बहुत ही दर्दनाक होता है। तो फिर ये तो लॉक किया जाए और साथ में उसकी आप एक आंख भी नोच लीजिएगा। कौन सी, लेफ्ट या राइट? राइट, दूसरी आंख में तो कैटरक्ट हो रहा है, हो सकता है? अवश्य, हमारे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा अब बताएं, इसके बाद विक्टिम कितनी देर तक जिंदा रहे, ये भी आप डिसाइड कर सकती हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स की डिमांड रहती है कि जितनी देर हो सके उनके पति तड़पते रहें। जितनी भी देर हो सके। डन। वाह। अच्छा, कंटिंजेंसी प्लान के तहत हम उनके कार के ब्रेक्स भी काट देंगे, आप इससे सहमत हैं? अरे नेकी और पूछ। तो वेरी गुड, अब सारी डिटेल्स सेटल हो गई हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ले लीजिए। ये लीजिए। भाई आप तो सचमुच बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। अच्छा आप ये तो बताइए कि मेरी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ प्रिकॉशन लेना जरूरी है क्या? वैसे उन्हें मिस तो कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ। वो मैडम, हमारे क्लाइंट प्रोटेक्शन स्कीम में ये सब कवर्ड है। हम इसे बंदूक वाला साहब की खुदकुशी साबित कर देंगे, आप पर आज भी नहीं आएगी। अरे वो कैसे करेंगे आप? तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से हम आपके पति की ही लिखाई में एक सुसाइड नोट लिखवाएंगे, उनका ध्यान हटाकर फिर हस्ताक्षर ले लेंगे, बस पूरा हादसा एक आत्महत्या ही लगेगा। तो वो अपनी मौत पे खुद ही साइन कर देगा? जी हाँ। अरे आपकी तो कमाल की प्लानिंग है सच में। अनचाहे पतियों के काम तमाम करने में आपके कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज का तो कोई जवाब नहीं। अरे हमने भी कॉलेज में SFI पढ़ी है। अभी और भी ऑफर्स हैं, लेकिन मैडम पहले कैश पेमेंट। हाँ हाँ। ये लीजिए। थैंक यू। तो हमारे प्रीमियर क्लाइंट्स के लिए एक करंट प्रमोशन भी चल रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं? इससे दूसरे आदमी को
हाफ रेट पर सफाया कर सकती है। दूसरा आदमी क्यों? ये उन क्लाइंट्स के लिए है जो एक साथ पति और किसी प्रेमी को सफाया करना चाहती हो। इस ऑफर को आप कुछ महीने बाद भी अवेल कर सकती हैं। अगर 6 महीने बाद आपने दूसरी शादी कर ली और नए पति को भी मौत के घाट कोई इस ऑफर को सासू माँ के लिए भी उपयोग कर करती हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है ना। ठीक है, मैं याद रखूंगी। कहीं अगर दूसरा पति भी बैंकर निकल गया तो वी आर डन हियर। आप घर जाकर खबर का इंतजार कीजिए। अरे मैं मर जावा आपकी प्रोफेशनलिज्म पर। I've been dying for this day to happen। अरे आप हम पर भरोसा रखिए मिसेस बंदूकवाला। अब आप अपने पति को कभी नहीं देखेंगी। थैंक यू। ओह यू आर मोस्ट वेलकम मिसेस बंदूकवाला। मिस भट्टाचार्य। हेलो मिस्टर बंदूकवाला। हाँ काम हो गया। उन्होंने मिंटी पी ली। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए हमने उनके ब्रेक्स भी काट दिए हैं। बस पूरा हादसा एक सुसाइड ही लगेगा। मिस्टर बंदूकवाला आप अपनी पत्नी को अब कभी नहीं देखेंगे। और हाँ हमारी स्पेशल एजेंट अनन्या आपके घर पहुंचती ही होगी आपके लिए एक खास तोहफा लेकर। आप उनसे अकेले में मिल लीजिए।